हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पालक। चिकन पालक बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक की प्यूरी रेडी करेंगे। पालक की प्यूरी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाही ले लें। कढ़ाही में आप पालक ऐड कर दें। पालक ऐड करने के बाद इसमें कटे हुए दो प्याज, ये मैंने दो प्याज लिए हैं, आप अगर ज्यादा बना रहे तो ज्यादा भी प्याज ऐड कर सकते हैं। प्याज ऐड कर दें। हाफ टेबल स्पून जीरा है, जीरा भी ऐड कर दें। 10 से 12 लहसुन की कलियां छिली हुई, इसे भी इसमें ऐड कर दें। 2 हरी मिर्च, इसे भी इसमें ऐड कर लें। 3 टमाटर हैं जिसे मैंने चॉप कर लिए, इसे भी इसमें ऐड कर लें। 1 अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर लें। इन सब चीजों को डालने के बाद आपको गैस लो फ्लेम पे ऑन करके इसे तकरीबन पकाना है जब तक ये पानी इसका ड्राई ना हो जाए। इन सब चीजों को लो फ्लेम पे आपको तकरीबन पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, लीड इसकी लगा के। 5 मिनट बाद आपको पालक चेक करना है और इसे एक बार चला लेना है, मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और हमने पानी का यूज इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसमें मॉइस्चर होते हैं, हमने पालक में भी डाला था, टमाटर भी, इसके मॉइस्चर से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। ये अभी और पकेंगे तो इसे 10 मिनट और लो फ्लेम पे ही लीड लगा के इसे 10 मिनट और पका लेते हैं। 10 मिनट हो चुका है, अब हमें पालक को देख लेना है कि पानी ड्राई हुआ कि नहीं। अगर पानी हल्का भी है तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई कर लें और इसका लीड ना लगाएं। अब हाई फ्लेम पे इसे ड्राई करते थे, ड्राई होने तक भूनते रहें जब तक पानी इसका बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब इसे ठंडा करके इसकी प्यूरी आप तैयार कर लें। पालक ठंडा हो चुका था, मैंने इसकी प्यूरी रेडी कर ली है, आप देख सकते हैं। प्यूरी बनाते समय मैंने इसमें 1/2 कप वाटर ऐड किया है और थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड कर लीजिएगा, इससे पालक बिल्कुल हरी रहती है, काली नहीं पड़ेगी और इसका इस तरीके से स्मूथ पेस्ट प्यूरी तैयार कर लेना है। ना ज़्यादा पानी यूज बिल्कुल नहीं करना है आपको। अब हम इसकी चिकन की ग्रेवी रेडी करते हैं। चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई में ऑयल गरम कर लें। ऑयल गरम होने के बाद इसमें चिकन ऐड कर लें, ये 1/2 kg चिकन है। चिकन ऐड करने के बाद इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाएं। चिकन को बिल्कुल हल्का लाइट गोल्डन कलर होने तक पकाना है। चिकन को अच्छी तरीके से पका लें। चलिए 3 से 4 मिनट चिकन हाई फ्लेम पर पकाने के बाद चिकन गोल्डन होने लगे हैं। चिकन गोल्डन होने के बाद इसमें आप 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लेंगे।
चिकन में मसाला हमें मिला चुके हैं अच्छे से, अब इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड करें, क्योंकि पालक में नमक ऑलरेडी ऐड है तो नमक थोड़ा चिकन में कम ही ऐड करें। चिकन में नमक ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम लो कर दें और इसे पकने दें जब तक चिकन गल ना जाए ढककर। 10 मिनट के बाद हम चिकन चेक कर लेते हैं कि कितना पका है कितना नहीं पका है। अगर थोड़ा ये कच्चा होगा तो इसे हम और पकाएंगे। चिकन अभी थोड़ा और पकेगा तो इसे 5 मिनट और लो फ्लेम पे लीड लगा के पकना देते हैं। 5 मिनट और इसे पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है, अब हम चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन अब हो चुका है, अब इसमें 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे। कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद इसमें हमने जो प्यूरी बनाई थी पालक की, इसे भी हम इसमें ही ऐड कर लेंगे। प्यूरी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि जार में पालक रह गया था, इसी का पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और 5 मिनट इसे और पकने देंगे ढककर। इसे 5 मिनट और पकने देंगे, जब ये पक जाएगा तब इसमें हम तड़का लगाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम लीड ओपन कर लेते हैं और चिकन चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल सब सेपरेट होने लगा है, तब बस अब फ्लेम ऑफ कर दें। चिकन पालक में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले तड़का पैन में आप ऑयल गरम कर लें। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें 3 से 4 सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे। अब इसे चिकन पनीर में डाल देंगे। ऊपर से आप बटर घी भी यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं पालक बिल्कुल हरा है, क्योंकि हमने चीनी यूज किया था इसलिए वो काला नहीं हुआ है।